शादी के 7 साल तक तेरे ताऊ को कोई औलाद नहीं हुई थी। मैं बार बार उससे कहता रहा कि मेरे दोनों बेटों में से एक को गोद ले लो, लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर इस बात को टालता रहा। उन्हीं दिनों भाभी अपने मायके गई और जब 1 साल बाद वापस लौटी तो उनकी गोद में एक नन्ना सा बच्चा था। तेरे ताऊ ने आकर कहा कि लखन मुबारक हो, मुबारक हो, भगवान ने हमारी सुन ली, हमें भी औलाद दे दी उसने। अच्छा तो ये थी वो औलाद, ये था वो बच्चा, यही अनाथ राजा जो आज तक हमारे ऊपर राज कर रहा है, हमारे ही घर में रह के हमारा ही खा के हम पर ही हुक्म चला रहा है। सारा कुत्ता पता नहीं किस गांव का है, किस परिवार का है, और हमारी छाती पे बैठ के मुंह डल रहा है। बाबू जी थोड़ी सब्जी देना तो बोलो। हम लोग यहाँ इतनी जरूरी बात कर रहे हैं और तेरे पेट में आग लगी हुई है। दोबारा बीच में बोला तो 7 दिन तक भूखा रखूंगा, समझा? बाबू जी ये तो अनर्थ है, ना इंसाफी है कि हमारे घर की जायदाद किसी भाई को चली जाए। जरा सोचो बाबू जी, अगर ताऊ जी हम दोनों भाइयों में से किसी को गोद ले लेते तो आज ये जायदाद हमारी नहीं होती। बिल्कुल होती बांके, बिल्कुल होती। जो उस वक्त नहीं हुआ वो अब होगा, तू फिक्र मत कर, वो जायदाद हमारी यार हम ही को मिलेगी। उसे हासिल करने के लिए अब चाहे कुछ भी करना पड़े, कर भला तो हो भला। चंद्रमोहन बिल्कुल ऐसी कार्ड छपा देना। ऐसे का छपा दूं? अरे भाई शादी के कार्ड में सब कुछ वैसे ही तो होता है, उस लड़की का नाम कटवा के अपनी बेटी का नाम छपवा देना। अरे अभी आता हूं। राजा बाबू ये देखो अखबार में आपकी फोटो छपी है, इसमें लिखा है राजा बाबू नाम का लड़का मुझे धोखा देकर भाग गया है। जब से वो गया है ना मेरी रातों की नींद गायब हो गई है। मतुबाला ये कैसे हो गया नंदू? आपने जो प्रेम ज्योति जलाई थी ना ये उसी का फल है, लगता है उसके दिल में आपके लिए प्रेम जाग गया है, तभी तो आपकी फोटो अखबार में छपवा कर ये सब कुछ लिखवाया है। मैं तो कहता हूँ कि जल्दी से उसके गाँव चलते हैं, मुझे भी अपनी वाली से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। भगवान का शुक्र है कि वक्त पे उसकी आंखें खुल गई। सुनिए जी आप शादी के कार्ड की छपाई को रोक दीजिए, वो लड़की अपने किए पे शर्मिंदा है। देखिए तो हमारे राजा की फोटो छपा कर हमसे माफी मांगी है। नहीं नहीं मेरा मतलब है माफी, ऐसे ही थोड़ी हम उसे माफ कर देंगे। मैं उसके घर जाऊंगी, उसे खूब डांटूंगी, उसे यहाँ लेकर आऊंगी, आपसे माफी मंगवाऊंगी, तभी उसे माफ कर देना, वरना। तू क्या कहना चाहता है? एक बात बता, तू मेरा बेटा है या नहीं? क्या सर पैर वगैरह, तुम चुप रहो, मैं इससे पूछ रहा हूं, तू मेरा बेटा है या नहीं? पर ये अखबार वाली लड़की ये वही है ना जिसने शादी का कार्ड फाड़ के तेरे बाप के मुंह पे मार दिया था, फिर भी तू इससे शादी करना चाहता है? इन सब के बावजूद तेरे दिल में उसके लिए प्यार है? अरे मैं तुझसे पूछा बोला, मुझे छोड़ दे, आज मैं इसे जान से मार डालूंगा। किसे? उसे जो ऊपर चढ़कर अब नया नाटक कर रही है, आज मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे हाथ पैर काटने की कोई जरूरत नहीं राजा, मैं कूद नहीं जा रही लगी, अब पीछे जा, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। तू चुप रह माँ, ये कुछ नहीं करने वाली, ये सब नाटक है। तू चुप रह, मुझे तो लगता है वो जो कह रही हूँ करके दिखाएगी। नहीं माँ, ये मरने वालों में से नहीं है, ये मरने वालों में से समझता नहीं है, कूद जाएगी, इसे रोको। मुझे बसाने में इसके साथ साथ तेरा भी हाथ है, तेरी तो। नहीं बेटी, तू पीछे जा, बस कर, नीचे आ, मैं इधर हाथ जोड़ती हूँ। मैं नीचे एक ही शर्त पर आऊंगी, अगर आपका बेटा मुझसे शादी करे तो। शादी और तुझसे? तू कूद नीचे और फिर भी ना मरी ना तो गला घोट के मार दूंगा मैं तुझे। अब चुप भी कर। देख बेटी, इस तरह गले पर छुरी रखकर हाँ करवाना ठीक बात नहीं है। तू तो जानती है किसके बाबूजी नाराज है, वो नहीं मानेंगे तब तक की शादी कैसे हो सकती है। मैं बाबूजी के मानने तक इंतजार करूंगी, उनके मानने के बाद ही मंगलसूत्र पहनूंगी, मगर पहनूंगी तो राजा के हाथों से ही, और आपको अभी मुझे
स्वीकार करना होगा बहू कहकर, वरना मैं खुद जाऊंगी। अरबत, ऐसे बोल रही जैसे जिंदा रहकर हम पर एहसान कर रही है। मैं तीन तक गिनूंगी, अगर आपने मुझे बहू कहकर ना पुकारा तो मैं खुद जाऊंगी। माँ, इसे कोई वचन नहीं देना, ये गले पड़ जाएगी। एक, नहीं बेटी, पहले मेरी बात सुन। सुन, दो। अरे ये पागलपन मत कर। तीन, खुद जा। चुप रहना, चुप कर। नहीं बेटी, ऐसा मत करना। माँ, मैं जा रही हूँ। तीन, तीन। नहीं 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 बेटी, नहीं। क्या कहा आपने? बहू? हाँ हाँ, बहू बहू, नीचे आ जा बेटा, नीचे आ जा बहू। आपने मुझे बहू मान लिया? माँ जी, मैं नीचे आ रही हूँ सासू जी। हाँ हाँ, मान लिया, आ रही हूँ। आ जा बेटा, आ जा। जाना नहीं है, मैं आ रही हूँ। आ जा बहू, आ जा। चलिए सासू जी, देखिए मैं अपनी बेटी भी लाई हूँ। जहाँ आप लोग रहेंगे वहाँ एक कोने में मैं भी रह लूंगी। लाइए भाभी जी, जाइए जाइए, अपने अपने घर जाइए। उल्लू के पट्टे पेटू कहीं के, वहाँ तेरे ताऊ जी बेचारे भूखे प्यासे उदास बैठे हुए, और तू यहाँ खाना खाया? जा अपने हाथों से खाना, ताऊ जी को खिला कर। अरे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है गधे? समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ तुझे? है वो तो मैं समझ गया, मगर समझ में ये नहीं आता है कि बाबूजी आपको अपने भाई पर इतना प्यार कब से आ गया? बेकार बहस मत किया कर बाबूजी से, जो कहते हैं किया कर। चल जा, चल चल जा। ताऊजी, ताऊजी, आप खाना खा लीजिए, मैं आपको भूखा नहीं देख सकता। अच्छा ये बता, वो दोनों कहाँ हैं? कौन दोनों? अरे मेरी पत्नी और मेरा बेटा। अपने ही गांव में है ताऊ जी। मेरा ही काम करेगा जी? उनसे जाके कहे कि मैंने कहा है शराफत से अभी के अभी घर लौटो, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या बेटा? नहीं भाई साहब, वो दोनों अकेले इस घर में आने के लिए तैयार नहीं है। हाँ ताऊ जी, हम लोग अभी अभी ताई जी के घर से ही आ रहे हैं। उन्होंने मधु को वचन दे दिया कि जाएंगे तो तीनों जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। लगन जी, भाई साहब उन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया, तू जाकर अब मेरा फैसला सुना दे कि मैं उनको इस शुक्रवार तक का समय दे रहा हूँ। इस बीच अगर वो उस लड़की को भुलाकर इज्जत के साथ इस घर में लौट आए तब तो वो मेरी पत्नी है और मेरा बेटा है, वरना उसके बाद उनके साथ मेरा जिंदगी भर कोई संबंध नहीं रहेगा, कोई संबंध नहीं रहेगा। कर भला तो हो भला। अरे राजा, राजा बेटा, अच्छा वो तुम मिल गए, हम तुम्हारे पास आ रहे थे। अच्छा, मगर मैं तो बाबूजी से मिलने जा रहा हूं। अरे तुम्हारे बाबूजी नहीं तो हमें भेजा है तुम लोगों की खैरियत पूछने के लिए। सच बाबूजी ने आप लोगों को भेजा? तो और नहीं तो क्या है? तुम लोगों के जाने के बाद मैंने भाई साहब से बहुत झगड़ा किया, और भाई मैंने उन्हें कहा कि भाभी जी ने उस लड़की को जबान दे दी है, अब बात कर बतंगड़ बनाने से क्या फायदा। और फिर दुल्हन वही जो पिया मन भाए, आप सुला कर लीजिए। फिर राजा तो ताऊ जी कहने लगे, लेकिन उस लड़की को बात करने की तमीज नहीं है। हाँ, उसे अपनी पढ़ाई लिखाई का बहुत घमंड है। हाँ, अपने आप को बहुत होशियार समझती है। ठीक है, अगर तुम्हारी ताई जी ने उसे घर में रख ही लिया तो मैं शुक्रवार तक का समय देता हूँ, लेकिन उस लड़की से कहो कि शुक्रवार से पहले पहले अपने स्वभाव को बदल, बात करने का तरीका सीख ले, और मेरे राजा के साथ प्यार मोहब्बत से रहे। हाँ, तो मैं शनिवार को शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच बाके भैया, बाबूजी ने ऐसा कहा? अरे हा? राजा, बाबूजी ने ऐसा ही कहा। अरे अरे मैं बाबूजी से मिल के आता हूँ भाई। नहीं, ये सभी ठीक नहीं है बेटा, क्यों बड़ी बड़ी बात को बिगाड़ना चाहते हो तुम? अब ठीक कह रहे चाचा। शाबाश बेटा, जीते रहो जीते। मगर फिर भी जब तक मैं बाबूजी से नहीं मिलूंगा ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा, मैं जाता हूँ। बापू अब क्या होगा? फिक्र मत कर, मैं संभालता हूँ। कर भला तो हो भला, जल्दी जा। क्या है, क्यों आया यहाँ? बाबू जी, क्या है सच है? क्या आपने चाचा जी से कहा है कि अगले शुक्रवार? अच्छा बेटा, क्या तुम्हें अपने चाचा जी की बात का विश्वास नहीं? अब मैं भला भाई साहब की इजाजत के बिना तुमसे कुछ कह सकता हूँ? सवाल विश्वास का नहीं चाचा, जो बात मैंने आपके मुंह से सुनी है वही बात मैं एक बार बाबू जी के मुंह से सुन लूंगा तो मुझे संतोष हो जाएगा।
क्या सुनना चाहता है तू मेरे मुंह से? यही ना कि मैंने अगले शुक्रवार तक का समय दिया है? हाँ। भला हो भला, अब तो सुन लिया। चल चल ठीक है बाबा। अरे क्या बात है राजा, बड़े चहकते हुए वापस आ रहे हो। अरे बाबूजी ने तुमको शुक्रवार तक का टाइम दिया है, अभी तुम थोड़ी सुधर जाओ। क्या मतलब, मैं बिगड़ी हुई हूँ? नहीं, उनके कहने का मतलब था कि तुम अपना स्वभाव थोड़ा सुधार लो। अगर तुम मेरी प्यार से देखभाल कर लोगी तो शनिवार तक वो हम दोनों की शादी तय कर देंगे। खामखा परेशान हो रहे हैं, मुझे राजा पर पूरा विश्वास है। वो आपको भगवान की तरह पूछता है, देख लेना, दो ही दिन में वो उस लड़की को घर से बाहर निकाल कर फेंक देगा। हाँ ताऊजी, वो बाबूजी अब आप क्या कहते हैं? आपको तो बड़ा विश्वास था अपने राजा पर, इसने तो एक लड़की के लिए अपने इस भगवान को ठुकरा दिया। अरे चुप रह, शुक्रवार तक का वक्त दिया हमने उसे, उससे पहले हम उसे कुछ नहीं कह सकते। चलिए भाई साहब, चलिए चलिए ना जी, चलिए ना, चलिए। ताऊजी ताऊजी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे भाई आज शुक्रवार है। भाई साहब जाके देखना चाहते हैं कि उस राजा के मिजाज ठीक हुए कि नहीं हुए। हाँ वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? मैं अभी भी वहीं से तो आ रहा हूँ। राजा में कोई तब्दीली नहीं आई है। और ताऊजी वो लड़की तो अभी तक उसी घर में जमी बैठी हुई है। दिल छोटा मत कीजिए भाई साहब, बच्चा है बेचारा, क्यों ना हम उसे एक हफ्ते की मोहलत और दे दें। कोई जरूरत नहीं है, आज तक मैंने वक्त दिया था, फैसला भी आज ही होगा। घर जाके तेरी भाभी को लेकर आ जा वहां पर जल्दी। चलो बा। अरे बाबूजी, वाह बाबूजी आ गए। अरे बाबूजी हम लोग आप ही के पास आ रहे थे बाबूजी। इस दुनिया में कुछ लोग कुत्ते की दुम की तरह होते हैं, हजारों साल उसको नली में डाल के रखो मगर वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई? मैंने कहलवा कर भेजा था और उसके बावजूद तुमने इस लड़की को घर में रखा हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? आप ही ने तो चाचा जी से कहलवाया था कि अगर शुक्रवार तक मधु का स्वभाव बदल जाएगा तो शनिवार को आप हम दोनों की शादी तय कर देंगे। अरे भी क्यों मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो राजा बाबू? तोबा तोबा तोबा, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। अरे भाई मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि अगर शुक्रवार तक तुमने इस लड़की को घर से बाहर दफा नहीं किया तो बाबूजी हमेशा के लिए तुमसे रिश्ता तोड़ लेंगे। हाँ अरे माँ ये झूठ बोल रहे चाचा जी। सुनिए देखिए, आपके गुस्से और अकेलेपन का फायदा उठाकर ये लोग हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। भगवान के लिए इनकी असलियत पहचानने की कोशिश कीजिए। ये आप क्या कह रही है भाभी जी? कल के छोकरी की बातों में आकर आप मुझ पर शक कर रही है? मुझ पर जिसने अपनी सारी जिंदगी भाई साहब की सेवा में गुजार दी, जिसने इस घर की एकता बनाने के लिए दिन रात ही कर दिए, आप मुझ पर शक कर रही है? नहीं भाई साहब नहीं, आप मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। बस बस, मैं सबको अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे अपने कौन है तो पराए कौन है सबको अच्छी तरह जानता हूँ। तो जी मुझे पता क्या लगता है, राजा ने इस लड़की के साथ को उल्टी सीधी हरकत कर दी है और वो भी इसके गले पड़ गई है। भागे और नहीं तो क्या, वरना तुम्हारी इतनी हिम्मत कि ताऊ जी की कई भी बात को टुकरा देते। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने आपका कहा हुआ एक एक शब्द राजा के सामने आके दोहराया। अरे आपको यकीन नहीं आता था राजा, इधर आ, मेरी बीवी पेट से है, इसकी कोख में मेरा होने वाला बच्चा पल रहा है। दुनिया का ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपने होने वाले बच्चे की झूठी कसम खाएगा? मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ कि बाप जी, बाकी भैया सच कह रहे हैं, मैं ही झूठ बोल रहा था। राजा आपने जो इनसे कहने के लिए कहा था इन्होंने सच सच आकर वही मुझे बताया। इस बक्कार की गद्दारी, अरे पालने का इतना शौक था तो उसको निकाल कर कुत्ता पाल लिया होता, थोड़ी सी वफादारी तो करता तुम्हारे साथ। एक बात कान खोल के सुन लो तुम, आज के बाद तो तुम मेरी पत्नी हो और नहीं ये मेरा बेटा है, कोई नहीं है मेरा।